कमिंग टू द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एक्टिविटीज़, यानी कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले इसमें प्रोजेक्ट इनटू टास्क, बड़े से प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना एंड एस्टिमेट टाइम एंड रिसोर्सेज टू कंप्लीट ईच टास्क। हर एक टास्क को कंप्लीट होने के लिए एस्टिमेट करना टाइम और रिसोर्सेज के, एक टास्क पे को कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे, कितने बंदे रिक्वायर्ड होंगे और कितनी बजट हमारी यूज़ होगी। सबसे पहली बेसिक एक्टिविटी जब शेड्यूलिंग में आ जाती है वो ये आती है, एक एक बड़े प्रोजेक्ट को आप डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टास्क में, फिर हर एक टास्क को इंडिविजुअली एस्टिमेट करो उसके रिसोर्सेज टाइम और रिसोर्सेज में आपकी बजट भी आ जाती है और आपके डेवलपर्स बंदे जो भी उस पर काम करेंगे वो भी आ जाते हैं। टास्क काम करने टू मेक ऑप्टिमल यूज ऑफ वर्कफोर्स, उन सारे टास्क को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस देना कि कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा टास्क मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल पहले बनेगा, कौन सा मॉड्यूल उसके बाद बनेगा। ठीक है, मिनिमाइज टास्क डिपेंडेंसी टू अवॉइड डिले। अगर दो टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो डिपेंडेंसी आपने फाइंड आउट करनी है, वो अवॉइड करनी है। कैसा ना हो कि एक मॉड्यूल बनाने के बाद हमें पता चले कि पहले दूसरा मॉड्यूल बनना था उसके बाद ये मॉड्यूल बनना था, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है और हमारा ज़्यादा बजट और टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। डिपेंडेंट ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजर इंट्यूशंस एंड एक्सपीरियंस। और ये सारे आपने टास्क और शेड्यूलिंग कंप्लीट करके आपने जो है कन्वे करना है अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को। ठीक है, तो सबसे बेसिक पहले जो शेड्यूलिंग एक्टिविटी आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपने टास्क को डिवाइड किया प्रोजेक्ट को, हर एक टास्क का एस्टिमेशन आपने किया। फिर हम बार बार एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो एस्टिमेशन के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी चीज़ जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हमारे पास मॉडल्स बने हुए हैं, स्टैटिकल मॉडल्स, जिनके थ्रू हम प्रोजेक्ट की साइज़ भी एस्टिमेट करते हैं, प्रोजेक्ट का टाइम भी एस्टिमेट करते हैं, रिसोर्सेज भी एस्टिमेट करते हैं, बजट भी एस्टिमेट करते हैं। सारी चीज़ें एस्टिमेट उनसे हो सकती हैं, जैसे कोकोमो है, इट्स वन ऑफ द मॉडल, फंक्शन पॉइंट इज आल्सो वन मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसके बाद शेड्यूलिंग में सबसे पहले तो ये सारी बेसिक एक्टिविटीज़ थी जो शेड्यूलिंग में परफॉर्म होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि शेड्यूलिंग में एनी हाउ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बताए इनको डिफाइन करना। सबसे पहले आता है माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल्स। ठीक है, माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल्स, व्हाट इज माइलस्टोन? माइलस्टोन का मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि आपका एक प्रोजेक्ट है बीएस की डिग्री कर रहा, ठीक है, तो वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइडेड है, यानी कि सेवन स्टार्स में। एट अ टाइम आप इतना सारा वर्कलोड पढ़ के एट अ टाइम सारे पेपर्स नहीं दे सकते डिग्री के, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है माइलस्टोन्स में। जब आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो वो माइलस्टोन आपका एक, आप एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, यानी कि आप अपने गोल से थोड़ा करीब हो जाते हैं। पर आपको अभी डिग्री नहीं मिलती, पर आप क्या करते हैं, डिग्री में से जो एक छोटा सा उसका पार्ट है, जो छोटा सा माइलस्टोन है, दैट इज सेमेस्टर वन, वो आप पास करते हैं, तो आपकी डिग्री डिवाइडेड है 8 माइलस्टोन में। ठीक है, तो माइलस्टोन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ चेक पॉइंट, क्योंकि हम हर 6 महीने के बाद आपकी CGPA आपकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि आपने कितना सही परफॉर्म किया है, आप आगे जा सकते हैं नहीं जा सकते। ठीक है, सेमेस्टर आपका ड्रॉप होगा या आप दूसरे सेमेस्टर में एनरोल कर सकते हैं, इट इज़ बेसिकली ए चेक पॉइंट। सिमिलरली हमने प्रोजेक्ट के शेड्यूल के अंदर भी माइलस्टोन्स डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे हम स्टॉप करके, जैसे सेमेस्टर के बाद हम स्टॉप करते हैं, स्टॉप करके आपकी इवेल्यूशन करते हैं ना, क्योंकि एट अ टाइम इतने सारे पेपर्स देना और हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होगा एट अ टाइम सारी चीज़ों को इवेल्यूएट करना, तो हमने आपकी डिग्री को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड किया था। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट के शेड्यूल के अंदर हम कुछ पॉइंट्स बना देते हैं,
जो माइलस्टोन की तरह काम करती हैं, यानी कि वहाँ पे हमने स्टॉप करके जितना भी पीछे हमने काम किया है उसकी प्रोग्रेस चेक करते हैं कि वो कितना क्वालिटी वाला हुआ है, एज पर द शेड्यूल हुआ है नहीं हुआ, एज पर द बजट हुआ है नहीं हुआ, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ अबाउट द माइलस्टोन। एंड डिलीवरेबल मीन्स के अगर आपका प्रोजेक्ट इंक्रीमेंट में डिलीवर हो रहा है और एक इंक्रीमेंट के अंदर 4 माइलस्टोन है, 3 माइलस्टोन है, तो वर्किंग प्रोडक्ट जो डिलीवर होगी कस्टमर को उसमें कितने माइलस्टोन होंगे, ठीक है, तो वो डिलीवरेबल्स में आ जाता है, यानी कि इंक्रीमेंट 1 एज अ डिलीवरेबल वर्किंग प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ठीक है। अब उस डिलीवरेबल वर्किंग प्रोडक्ट में के अंदर 2 माइलस्टोन भी हो सकते हैं, 3 माइलस्टोन भी हो सकते हैं, 4 माइलस्टोन भी हो सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द माइलस्टोन्स एंड डिलीवरेबल। माइलस्टोन्स को शेड्यूलिंग में डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप 6 महीने के बाद अपना CGP अपनी परफॉर्मेंस नहीं चेक कर पाते तो आपको पता नहीं चलता कि आप डिग्री में सही जा रहे हैं या आपकी प्रोग्रेस वीक है। तो इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर 3 साल का प्रोजेक्ट है तो 3-3 महीने 2-2 महीने के बाद एक माइलस्टोन पॉइंट होती है जिस पर रुक कर हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को चेक करते हैं, जिस और उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आगे प्रोजेक्ट जाएगा या नहीं जाएगा, या जाएगा तो किस तरीके से जाएगा, ठीक है। सो इट्स अबाउट माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल। डिलीवरेबल इज़ अबाउट अ वर्क प्रोडक्ट दैट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, ठीक है। अब वो वर्क प्रोडक्ट जो डिलीवर हुई है कस्टमर को उसके अंदर 2 माइलस्टोन भी हो सकते हैं, 3 माइलस्टोन भी हो सकते हैं। डिलीवरेबल